बिहार सरकार जहां सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए नित नए नियम को जमीन पर उतार कर सुधार की प्रयास कर रही है, वहीं सूबे के सुपौल जिले में एकमा में विद्यालयों को देखकर लगता नहीं है कि यहां पढ़ रहे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीएन लाइव, मैं हूं मनोज कुमार। अब खबर विस्तार से। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन, स्कूली ड्रेस सहित अन्य सुविधाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए सरकारी कई योजनाएं चल रही है। बावजूद सरकारी बाबुओं ने इन सरकारी योजनाओं को तार तार कर अपनी मनमानी वाली योजना से बाज आती दिखाई नहीं दे रही है। क्या आप मानेंगे कि एकमा के स्कूल में बच्चों को 2013 से मध्याह्न भोजन नहीं परोसा जा रहा है? आप भी देखें एकमा स्कूल के एचएम इस मामले में क्या बता रहे हैं। सही जानकारी मिली है हमारे विद्यालय में 2006 से 13 तक बनी और 2013 से बंद है हमारे यहाँ एमडीएम। क्या वजह है बंद है? यहाँ इसलिए नहीं बन रहा है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना चापाकल है, ना भवन है, ना क्या कहते हैं एमडीए बनाने का सो घर है, पानी नहीं है। तो जब व्यवस्था ही नहीं है तो खाना बनेगा कैसे, कहाँ पे बनाएंगे? दो रूम के अलावा और कुछ नहीं है, एक बरामदा नीचे भी उतरते तो वो भी ज़मीन दूसरे का ही है। तो इसमें कितने बच्चे नामांकित हैं आपके विद्यालय? 446 बच्चे। और टीचर कितने हैं मेरे? 12। आज कितनी उपस्थिति है बच्चों की? 120 बच्चे। टीचर कितने हैं आज? आज टीचर है 7-8 उपस्थित। आपके स्तर से विभागीय पहल क्या की जा रही है? हमारे स्तर से तो बीओ डीओ डीएम तक को दिया गया है पिटीशन, और यहाँ पे पदाधिकारी बोलते हैं कि ग्रामीण स्तर से ही होगा। मैडम, ग्रामीण जब तक नहीं जमीन का ये करेंगे तब तक नहीं होगा। हम लोग पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ग्रामीण नहीं सहयोग करेंगे तब तक भवन का क्या होगा। यहाँ जो विद्यालय चल रहा है वो कितने वर्षों से यहाँ विद्यालय चल रहा है? यहाँ स्थापित है विद्यालय 1935 में, स्थापना दिवस है 1935 में, तब से इसी जमीन पे विद्यालय चले। विगत 7-8 वर्षों से एमडीएम बंद है। 13 से जोड़ लीजिए ना, अगस्त 13 के अगस्त से बंद है। आखिर फिर बच्चे कहाँ खाते हैं? मेरे घर में खाते हैं। क्या एमडीएम डीपीओ की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? डीपीओ की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जहाँ पे खाना का व्यवस्था हो सके या मर्ज शिफ्ट किया जाए दूसरे जगह तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, आपको आपका विद्यालय दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा जो कि एमडीएम वहां चलेगा। स्कूल के एचएम को पत्रकारों ने जब पूछ लिया कि आज स्कूल में कितने बच्चे मौजूद हैं तो जवाब ढूंढने के लिए बगल झांकना पड़ा। जब उनसे ये पूछा गया कि आज कितने शिक्षक मौजूद हैं, इस पर भी उन्हें जवाब के लिए अपने पड़ोसी से सहारा लेना पड़ा। तो क्या यह मान लिया जाए कि स्कूल में मौजूद एचएम अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रही हैं? तो क्या यह मान लिया जाए कि उन्हें अपने तनख्वाह के अलावे बच्चों की शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है? तो क्या यह मान लिया जाए कि स्कूलों में सारी योजनाओं को कागजों पर चलाकर बच्चों को गुड फील कराया जा रहा है? सुपौल से सुभाष चंद्रा के साथ मैं मनोज कुमार, एबीएन लाइव। जिले में बैठे शिक्षा विभाग के बाबुओं से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्हें पता ही नहीं था कि जिले में कितने विद्यालयों में इस प्रकार की शिकायत है। भला हो उन आरटीए एक्टिविस्ट का जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जुटाई। खुलासा सामने आते ही सरकारी बाबुओं में हलचलें तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक पता चला कि 62 विद्यालयों में कई सालों से मध्याह्न भोजन इन बाबुओं के टेबल पर ही पक रहे थे। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि मेरे हिस्से की मध्याह्न भोजन तो सरकारी बाबुओं खा गए। इस बाबत पत्रकारों ने सुपौल के शिक्षा पदाधिकारी से बात की, जो आप भी सुन। ये इस पर यह मामला सामने आया है कि 62 विद्यालयों में एमडीएम नहीं चल रहा है, उसको उसके कारणों की जांच की जा रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना इसकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए आज इन्होंने बैठक भी बुलाई थी संबंधितों की, और शीघ्र ही इस मामले के में तय कर लिया जाएगा
कि किन किन कारणों से इन 62 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित नहीं हो रही है, यानी कि यूं माने तो कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र ही निष्पादित कर लिया जाएगा। जिला लोक शिकायत से क्या आदेश मिला? जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ से भी यही आदेश मिला है कि जो भी हमारे विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, जो भी जिनमें मध्याह्न भोजन योजना संचालित किया जाना है उनमें संचालित हो, और अगर किसी में संचालित नहीं हो रही है तो उसकी छानबीन कर लिया जाए और विद्यालयों की संख्या एकदम तय कर ली जाए कि कितने विद्यालयों में हमारी मध्याह्न भोजन योजना चालू रहे। तो पदाधिकारी महोदय, यह मान लिया जाए कि अगर RTA से यह खुलासा नहीं होता तो इन बच्चों को और कई सालों तक मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता। बहरहाल दोषी कौन है यह जांच का विषय है, पर इतना साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस सपने को बिहार के सरकारी स्कूल में उतारना चाहते हैं, उसे सरकारी बाबुओं ने तार तार कर दिया है। ABN लाइव के लिए सुभाष चंद्रा के साथ मैं मनोज कुमार, नमस्कार।